हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वीक वीडियोस। आज मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ बेस्ट बजट वायर्ड माउस का अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो। साथ ही इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कुछ ऐसा जो शायद ही कुछ दूसरे यूट्यूबर्स और रिव्यूअर आपको बताते होंगे, तो वीडियो का वो भाग लास्ट बार जरूर देखिएगा जिसमें मैं आपको कुछ अलग बताऊंगा भी और दिखाऊंगा भी। तो सबसे पहले हम लोग अपने माउस के अनबॉक्सिंग और रिव्यू पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ अपना लॉजिटेक का माउस। आप लोग उसकी एमआरपी देख सकते हैं, 445 रुपये है। और ये है लॉजिटेक का माउस। और इन दोनों माउस की सबसे बड़ी खास बात ये है कि दोनों माउसों में आपको मिलती है 3 साल की वारंटी। जी हाँ दोस्तों, 3 साल की वारंटी मिलती है सर्विस सेंटर वाली। तो अगर इसमें कुछ भी खराबी होती है तो आप 3 साल तक सर्विस सेंटर में इसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है कि 3 साल की वारंटी हमें किसी प्रोडक्ट के साथ मिल रही है, वो भी इतने बजट वाले प्रोडक्ट के साथ, जिसकी कीमत मैं बता देता हूँ लगभग इस दोनों की कीमत आपकी 300 रुपये से कम ही है। तो सबसे पहले हम लोग अपने लॉजिटेक के माउस को देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं ब्लैक कलर का माउस है और साइज में बड़ा साइज है। ये एक बड़ा साइज का माउस है। आप लोग देख सकते हैं इसका डिजाइन, इसकी एकदम प्रीमियम फिनिश का माउस है। आप देख सकते हैं इसका वायर भी काफी लंबा है, कम से कम 2 से 2.5 मीटर का वायर है। और इसकी यूएसबी प्लग की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। ये आप लोग देख सकते हैं एकदम प्रीमियम फिनिश का माउस है। और इसके नीचे का हिस्सा आप लोग देखते हैं लॉजिटेक का माउस, वैसे भी बहुत ही बेहतरीन कंपनी होती है लॉजिटेक, इसके हर प्रोडक्ट काफी अच्छे होते हैं। आप इसका साइज देख सकते हैं, मेरे हाथ के लगभग आधे हाथ के बराबर है। तो एक बड़ा माउस हमारे हाथ, बड़े माउस का फायदा ये है कि आप अगर आप ज्यादा काम करते हैं तो आपका हाथ दर्द नहीं होता है, क्योंकि छोटे माउस में अक्सर उंगली दर्द करने लगती है। तो ये काफी अच्छा माउस है मेरे हिसाब से तो, और मैंने इसे काफी दिन यूज किया है। तो अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे माउस पे। सबसे पहले मैं इसे कंपेरिजन कर रहे तो क्वांटम के जो माउस होता है छोटे साइज का, आप लोग क्वांटम के माउस से इसका कंपेरिजन देख सकते हैं। क्वांटम का माउस की तुलना में कितना छोटा है। क्वांटम का माउस तो आराम से 100 रुपये का मिल जाता है, लेकिन एक खूबी क्वांटम के माउस में है जो कि एक इस लॉजिटेक के माउस में नहीं है। वो मैं अभी वीडियो के थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि क्वांटम में ऐसी क्या खास बात है जो इस लॉजिटेक के और इस डेल के माउस में नहीं है, जो कि केवल क्वांटम के माउस में है। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है जानना कि क्वांटम में ऐसी क्या खास बात है कि जो इन दोनों माउस में नहीं है। तो अब हम लोग आते हैं डेल के माउस में। आप लोग देख सकते हैं इसका बॉक्स, इसके बॉक्स की पैकेजिंग तो लॉजिटेक के माउस से काफी अच्छी। आप लोग देख सकते हैं बड़ा सा बॉक्स है। लॉजिटेक का पैकेजिंग तो बिल्कुल सिंपल सी थी, एकदम नॉर्मल सी पैकिंग, लेकिन डेल के माउस की पैकेजिंग तो काफी अच्छी है। तो अब हम उम्मीद करते हैं इसका माउस भी काफी अच्छा होगा। तो अब हम ओपन कर लेते हैं इसकी सील तोड़ के इसका माउस फटाक से। ये मैंने वो काटा और ये मैंने ओपन किया। अरे वाह, बॉक्स के अंदर बॉक्स, ये काफी इंटरेस्टिंग है कि डेल के पैकेजिंग के अंदर बॉक्स मिला। तो ये रहा हमारा माउस, डेल का माउस। तो अभी मैं इसकी पॉलिथीन निकाल लेता हूँ, अंदर मुझे कुछ और दिखता है। ये कुछ कार टाइप का आप लोग पढ़ लीजिएगा, कुछ स्केच करने वाला भी बना है इसमें। और ये इसका नीचे का वारंटी कार्ड और इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो कि पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। आपको देखना हो तो मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, अगर पढ़ना हो, अगर समझ में आए तो पढ़ भी लीजिएगा, नहीं कोई बात नहीं, हटा देता हूँ। तो ये देखिए जो कि फालतू का था, हटा दिया मैंने बॉक्स को वापस पैक करके। अब आते हैं आप लोग वापस अपने माउस की तरफ। तो ये माउस वापस एक पन्नी में पैक है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो हम लोग सबसे पहले पन्नी को काट लेते हैं। ये मैंने पन्नी को काट लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ माउस का लुक कि डेल का माउस कितना बेहतरीन है। तो डेल के माउस में सामने कोई ब्रांडिंग नहीं, लेकिन फिनिश एकदम बहुत ही अच्छी है, एकदम प्रीमियम क्वालिटी का माउस है। डेल का भी इसका ये स्क्रॉल करने वाला भी काफ़ी रबर का अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। और इसका वायर की यूएसबी क्वालिटी, जो इसका यूएसबी प्लग, इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं एकदम चौकोर है। और इसके नीचे का हिस्सा जिसमें डेल का लोगो बना हुआ है, ब्रांडिंग दी गई है और कुछ रेटिंग दी गई है जो कि आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आप डेल के माउस देख सकते हैं, इसका डिजाइन भी काफी अच्छा है, ये भी एक बड़ा माउस है। ये इसके सामने का डिजाइन। अब मैं इसको अपने हाथ से साइज के कंपैरिजन दिखा देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये मेरे हाथ आधे हाथ से भी थोड़ा सा बड़ा माउस है, और इतने बड़े माउस को यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अभी मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूँ जो कि इन दोनों माउस में नहीं है और क्वांटम के माउस में। तो अभी मैं क्वांटम का माउस वापस लाता हूँ और तीनों के साइज से कंपैरिजन दिखाता हूँ, फिर वो आपको बात बताता हूँ। और एक बात और लास्ट में बतानी है उसको, जो तो जरूर सुनिएगा, तो सबसे लास्ट में बताऊंगा। तो अभी आप तीनों का साइज देख सकते हैं। क्वांटम का माउस सबसे छोटा साइज है और ये
इन दोनों का साइज आप कंपेरिजन लगा सकते हैं आप भाई हाथ से तुलना करके। तो दोस्तों जो क्वांटम के माउस की खास बात है ये है कि वो वाइट सरफेस पे भी बराबर काम करता है, जबकि ये दोनों माउस जो कि लॉजिटेक और डेल के हैं ये वाइट सरफेस में ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। है ना अजीब बात, पता नहीं क्यों लेकिन क्वांटम का माउस वाइट सरफेस पे एकदम स्मूथ काम कर रहा था, लेकिन ये दोनों माउस कंपनी के होकर वाइट सरफेस पे काम नहीं कर रहे थे, ये केवल दोनों माउस ब्लैक सरफेस पे ठीक तरीके से काम कर रहे थे। तो कोई बात नहीं, क्वालिटी अच्छी है, इनमें 3 साल की वारंटी मिलती है, तो आप इसके लिए नीचे माउस पैड ले लीजिएगा ताकि ये दोनों भी माउस अच्छे से काम करें, या फिर अपने नीचे का सरफेस वाइट मत रखिएगा। तो दोस्तों ये चीज मैं आपको दिखाने वाला था, आप लोग देख सकते हैं लॉजिटेक के माउस की कीमत 280 रुपये और डेल के माउस की कीमत 250 रुपये। तो दोस्तों यही एक चीज थी जो कि दूसरे रिव्यूअर्स आपको नहीं दिखाते हैं, वो तो कहते हैं आप सामान ऑनलाइन ले लो, जबकि सामान इस सामान का सेम प्राइस ऑनलाइन 300 के ऊपर है, वो कभी नहीं बताते कि आप मार्केट में जाके एक बार पता कर लो कि ये छोटे मोटे सामान का प्राइस कितना है। तो दोस्तों मैं आपको यही दिखाना चाहता था और बताना चाहता था कि कभी आप एक बार मार्केट में भी देख लिया करिए, मार्केट में वही सामान आपको कम प्राइस में मिल जाएगी, तो आपको वहाँ पे जाने की जरूरत ही क्या है ऑनलाइन। तो मेरा पॉइंट बताने का सिर्फ यही था कि एक बार आप मार्केट में जाके अपने छोटे मोटे सामान का प्राइस पता कर लीजिए, ना कि सीधा ऑनलाइन खरीद लीजिए, क्योंकि जो छोटी मोटी सामानें होती हैं वो ऑनलाइन उनका रेट 100 से 150 रुपये ज़्यादा होता है। तो देखिए आपने देखा किस तरीके से, आपने बिल भी देखा कि 250 रुपये का माउस और सेम चीज़ माउस ऑनलाइन 350 का है, क्योंकि बाकी रिव्यूअर क्या कहते हैं कि आप जाओ मेरी लिंक से खरीद लो, तो ये गलत बात है। एक बार उन्हें बताना भी चाहिए कि मार्केट में इसे सस्ता मिल रहा है तो मैं लिंक से क्यों खरीदूँ, ऑनलाइन क्यों खरीदूँ। अगर आपकी मार्केट में इतना सस्ता नहीं है तो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरे बताने का ये मतलब था कि एक बार चेक कर लीजिएगा, प्राइस कंपेयर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको मेरी ये बात भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। और दोस्तों आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। दोस्तों लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। For the stars, traveling so far, like a dragonfly, just grab my hand.